दोस्तों हम खड़े हैं सुभाष चार रास्ता और आज मैं आपके लिए होली स्पेशल जो मार्केट में कलर पिचकारी और होली के लिए जो जो चीज़ें आई है उसका आपको एक झलक प्रदर्शित करती हूँ। और एक्सप्लोर विथ अनिला के साथ बने रहिए दोस्तों, हम बात करेंगे रेखा बेन से। दोस्तों आज धुलेटी के कलर बिक रहे हैं, मैं सुभाष चौक अहमदाबाद खड़ी हूँ और आप अनिला शाह के साथ एक्सप्लोर विथ अनिला की यूट्यूब में जुड़े हुए हो और हम रेखा बेन से बात करेंगे। रेखा बेन, ये धुलेटी में आपके कलर कितने बिके और कैसा रहा ये सीज़न? अच्छा रहता है, भाव अच्छा देते हैं, सब कलर ले जाते हैं। लेकिन आप मूड में नहीं हो बेन? मेरा थोड़ा टेंशन है। टेंशन नहीं रखने का, बच्चे का थोड़ा टेंशन है, छोड़ो सब अच्छा हो जाएगा। हमको हमारी दुआ है आपके साथ। तो आज सुबह से लेके आपका बकरा अच्छा हुआ? हो गया 2-4 हज़ार का। अच्छा, कितने बजे तक खड़े रहोगे यहाँ? 4 दिन से यहाँ ही है। और रात को कितने बजे तक रहोगे? 12 बजे। 12 बजे तक, बहुत अच्छी बात है। रेखा बहन, आप खुद अपनी तरफ से अच्छी कमाई करके घर चलाती हो, हमारे लिए ये नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों। सही में ऐसे लोगों को मदद करना हमारी फर्ज और जिम्मेदारी बनती है। आप देखो इतने सारे कलर है यहाँ सुभाष चौक मेम नगर पे, तो ज़रूर आइएगा दोस्तों और रेखा बहन को सपोर्ट करिएगा। दोस्तों ये पिचकारी, आजकल बहुत सारी पिचकारी अलग अलग टाइप की यहाँ मार्केट में आ गई है दोस्तों। आप देख सकते हो कितनी पिचकारी है, क्या कौन कौन सी टाइप है इसमें पिचकारी में। आप देखो खिलौने स्टाइल की बड़ी बड़ी पिचकारी, आप देखो साइज भी पिचकारी की, जो बच्चे पानी से खेलते हैं उसके लिए यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी उपलब्ध है दोस्तों। 1 लीटर 2 लीटर पानी को भर सकते हैं हम। और ये गुब्बारे, पानी के गुब्बारे दोस्तों, इसमें पानी भर के, कलरफुल पानी भर के बच्चे एक दूसरे पे फोड़ते हैं। तो ये अब हमारा धुलेटी स्पेशल एक नज़ारा अनिला ग्लो किचन और एक्सप्लोर विथ अनिला, अन्ना ग्लो किचन और एक्सप्लोर विथ अनिला के तरफ से आपको भेंट। आप देख सकते हो कलरफुल पिचकारी धुलेटी के कलर के साथ अनुरूप। आपका नाम क्या है? रामजी भाई। रामजी भाई की लारी पे खड़े हैं हम, यहाँ पिचकारी की बहुत वैरायटी है। कैसी बिक रही है अच्छी तरह से पिचकारी, और इसमें क्या क्या टाइप की लाए हो आप? अलग अलग है, क्या क्या जो आपको, टैंक वाली है, गन है, फिर पाइप है, बलून है, तो छोटी बच्चे की छोटी पिचकारी है। अच्छा। बड़ी है। ओके, और ये गुब्बारे भी है ना? हाँ, गुब्बारे भी है ना, बलून है, बलून भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें उपलब्ध है सुभाष चौक पे दोस्तों, बहुत वैरायटी है, जरूर आइएगा दोस्तों। मैं सुभाष चौक 4 रास्ते पे खड़ी हूँ, होली धुलेटी के अवसर पे आप लोगों में उत्साह और एक आनंद देख सकते हो। सब लोग यहाँ अभी परचेजिंग करने आ रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पिचकारी कलर और होली धुलेटी स्पेशल चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और सामने यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, होली के रंग के साथ नाश्ते के लिए यहाँ पे बॉम्बे बेल है। और क्या नाम है आपका? गौतम शर्मा। गौतम शर्मा, आप कितने टाइम से यहाँ खड़े हो? मुझे करीब 2005 से। अच्छा, और अच्छी भी अच्छी आमदनी हो जाती है? हाँ, हो जाती है। अच्छा, और कितने बजे तक खड़े रहते हो? मैं शाम को 5 बजे आता हूँ और रात को 12 बजे तक धंधा करता हूँ। होली वगैरह त्योहार में तो अच्छी आमदनी होती होगी? हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ दोस्तों, अभी ये देख सकते हो इतने सारे कलर होली के। और क्या नाम है आपका? हाँ,
मंजू बहन एक नारी शक्ति का और उदाहरण, यहाँ पे पूरे होली के कलर और इतने सारे पक्के कलर, कच्चे कलर, गुब्बारे, ये सब लेके मंजू बहन सुबह से खड़ी है। मंजू बहन अच्छी आमदनी हो रही है? काम है, लेकिन अभी आज रात को हो जाएगी, है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छे कलर लाए हो आप, पीला, लीला, ब्लू, रानी, मुझे पता है आपके पास तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है। और ये ओरिजिनल गुलाल, ये ओरिजिनल गुलाल है ना? सुभाष चौक चार रास्ता से अनिला शाह, एक और कलर की लारी यहाँ पे खड़ी है। लेकिन ये लोग जो सुंदर सजावट से कलर को डिस्प्ले करते हैं, वो एक प्रशंसनीय काम है दोस्तों। और हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है? किरण भाई। किरण भाई, किरण भाई कब से खड़े हो यहाँ पे? आज सुबह से खड़ा हूँ। तो कैसा रहा बिजनेस? बिजनेस थोड़ा ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है ना, अभी तो रात बाकी है, होली बाकी तो है, धुलेड़ी बाकी है, दो दिन बाकी है। कल तक काफ़ी हो जाएगा। ये गुब्बारे, ये कलर, क्या क्या लाए हो आपके पास, क्या क्या है? गुब्बारा है, फिर बलून है, कलर है, सब अलबल कलर है सब। तो दोस्तों आपके लिए होली स्पेशल एक्सप्लोर विथ अनिला और अनगलो किचन की ओर से, मैं सुभाष चार रास्ता हनुमान जी के टेम्पल के चार रास्ते पे खड़ी हूँ और आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। दोस्तों एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। और ये इनका बेटा, आपका नाम क्या बताया? किरण भाई। किरण भाई, और बेटे का नाम? योगेश। योगेश भी आपको हेल्प करता है? हाँ। बहुत अच्छे, चलो धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों हम अल्पा से बात करेंगे। अल्पा जो है वो रेखा बहन की लड़की है। और हाँ अल्पा, आज कैसा बिजनेस है धुलेटी का? आज अच्छा नहीं है बिजनेस, अच्छा नहीं, आज गरागी नहीं है क्योंकि मैच की वजह से। लेकिन अभी एक दिन बाकी है, हो सकता है कि आपका बिजनेस अच्छा हो जाए। लेकिन थोड़ा इधर खड़े, हाँ। तो ये अल्पा, पूरे दिन में कितने बजे तक लोग आते हैं? रात को, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक चालू रहता है। और अच्छी कमाई हो जाएगी? हाँ अच्छी हो जाएगी। हर एक त्यौहार की अलग अलग चीज़ें ये लोग लेके आते हैं, बहुत वैरायटी होती है उनके स्टॉल पे। सही मायने में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों डिस्प्ले में है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कलर तो क्या चीज़ है, और भी इतनी सारी पिचकारी और सब कुछ है। दोस्तों सुभाष चौक सोनल चार रास्ता पे ये जय चामुंडा सीजनेबल स्टॉल है, जो हमारे रमेश भाई और आशा बहन क्या था, और ये पुराने हमारे फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे सही में आप देखो कितनी बड़ी बड़ी पिचकारी, बच्चों के लिए वैरायटी की यहाँ कोई कमी नहीं है, जरूर आइएगा। ये सुभाष चौक पे ही है दोस्तों, आइए अंदर चलते हैं। ये कलर्स, ये पिचकारी, ये कलर अलग क्या है? हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक आएगा, एक नंबर कलर आएगा, ये स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और कोई हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक कलर है ये, फुल गारंटी वाले। अच्छा, तो इससे कोई इरिटेशन नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं होती दोस्तों। सुभाष चार रास्ता सोनल चार रास्ता पे जय चामुंडा स्टोर। दोस्तों ये इतनी सारी पिचकारी, ये चाइना मेड है क्या सब? नहीं, इंडिया मेड। हाँ, मेड इन इंडिया दोस्तों, हमारे इंडिया में कोई चीज़ की कमी नहीं है दोस्तों। आजकल इंडिया में पिचकारी की तो इतनी वैरायटी है दोस्तों कि आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मेरा दावा है। क्या खरीदे क्या नहीं, ये जंबो पिचकारी, कितने लीटर पानी ऐड हो सकता है इसमें? मैक्सिमम 10 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर। लेकिन बच्चे उठा नहीं पाएंगे,
लेकिन स्टार्टिंग होता है। हाँ, 10 लीटर तक होता है। 1 लीटर से स्टार्ट हो रहा है, 10 लीटर तक पानी रहेगा। 2 साल का बच्चा उठा सकता है, उस टाइप का पिचकारी भी रखते हैं। हाँ, 2 साल से 10 साल 20 साल तक भी चलता है, जितना बड़ा हो। अच्छा, इतने बड़े लोग भी आज बड़े लोग क्या खेलते हैं, यूज करते हैं अपना देश में अभी, क्योंकि त्योहार इतना मनाते हैं ना अभी, बहुत खुशी से नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि खुश खुश हो जाते हैं सब लोग, इसीलिए त्योहार अच्छे से मनाते हैं। हमेशा स्माइलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है उसको देख के, एक नई ताजगी आ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, अनिला शाह फ्रॉम एक्सप्लोर विथ अनिल। दोस्तों, इतनी सारी पिचकारी के बीच में खड़ा रह के मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। तब तो ये कुछ नहीं था, एक सिंपल सी पिचकारी पापा वगैरह लाते थे और हम होली मनाते थे। और अभी देखो बच्चों के लिए क्या सिलेक्शन है मार्केट में अवेलेबल, और कितनी टाइप की, कितनी वैरायटी। सही में 25-30 साल बाद में जन्म लेना चाहिए था ऐसा महसूस हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। और बहुत सारी पिचकारी लेके सोनल चार रास्ता लारी खड़ी है। और खास करके होली के अवसर में जो पूजा में यूज होते हैं वही धानी यहाँ पे मिल रही है। और सादी धाणी यहाँ पे बिक रही है और लोग खरीद रहे हैं। दोस्तों, सोनल चार रास्ता से अनिल शाह। दोस्तों, आज हम आए हैं सुभाष चौक चार रास्ता पे। यहाँ पे होली के पर्व पर होली का पर्व आने वाला है, कल होली है, तो इसलिए यहाँ पे खूब सारे स्टॉल बनाए गए हैं। और यहाँ पे स्टॉल पे कई अलग अलग डिज़ाइन की पिचकारियाँ और कलर्स बच्चों के लिए सेल के लिए रखे गए हैं, और बहुत ही बढ़िया स्टॉल सजाते हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी इस साल पिचकारी मार्केट में आई हुई है। तो चलिए बात करते हैं स्टॉल वाले भाई से, कैसा है इस साल का? अभी तो बढ़िया है, बैठे बढ़िया है ना। अच्छा, कितने साल से लगाते हो आप? ओ भाई, लगाते हो तो कोई बात नहीं, ब्लॉग बना रहे हो? हाँ, ब्लॉग। क्या नाम आपका? हितेन भाई। ओके ओके, इस साल बहुत सारी डिजाइन में पिचकारी आई हुई है। ओके ओके, मंगाई लो ना, पर कंपनी सेम वैसे कि नहीं, पाछी मगजमारी ना था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुभाष चौक चार रास्ता पे ही भाई का स्टॉल है, आप इस स्टॉल की जरूर मुलाकात लीजिए। और काफ़ी अच्छी पिचकारियाँ यहाँ पे मिलती है बच्चों के लिए, और रिजनेबल रेट पे भैया देते हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। ये सुभाष चौक चार रास्ता पे ही है, आप देख सकते हैं।